गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू स्टडी मंत्रा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? चलो फटाफट से लाइव आ जाओ सब लोग, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं जरा आज सुबह तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। फटाफट से सब लोग लाइव आएंगे जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, सपना कुमारी आ चुकी हैं क्लास में, वेरी गुड मॉर्निंग। देवाजीत, वेरी गुड मॉर्निंग। और बाकी सब अच्छा, आज क्वेश्चन ही लगा तो कुछ बच्चों आंसर ही पहले करने शुरू कर दिए हैं। हाँ, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ये आपका चल रहा था मंथली करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं और एक आध क्वेश्चन फिर भी आपका बचेगा। दो क्वेश्चन दो क्लासेस में ये नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। उस पीडीएफ को एक बार से जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रेडी सब लोग? चलो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और इसी उम्मीद के साथ में हम करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू। हां जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जो है ये इसी बैंक की यूनिट है जो कि इंश्योरेंस का काम करती है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे नए एमडी सीईओ बने थे, क्या नाम है उनका? अनुप बागची नाम है। और ये किनके जगह पे बनाए गए थे? तो एस एन कन्नन की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, बैंक की स्थापना 94 में होती है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है मुंबई के अंदर। एंड प्रेजेंट टाइम पर इसके जो हेड है ये कौन है? संदीप बख्शी है। प्रेजेंट टाइम पर इसके जो हेड हो जाएंगे ये कौन है? संदीप बख्शी है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ, अनु बागची ही तो मैंने आंसर किया है, देवाजीत यही आंसर किया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के साथ किस देश ने जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है? हाल ही में जेफरी बाबा का उद्घाटन जो है ये भारत ने किस देश के साथ में किया है, ये आपको बताना है। इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के साथ में किया है? सो क्या होगा भाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, बताएंगे फटाफट से विच इज योर करेक्ट आंसर। किस देश ने जेफरी बाबा का उद्घाटन किया? श्रीलंका होगा सही आंसर। तो जेफरी बाबा जो कि बहुत फेमस वो वास्तुकार है, ठीक है, वास्तुकार थे, श्रीलंका के थे, तो इनकी जो भी वास्तुकार के फील्ड में जो भी इनके कलाएं थी उन सभी का प्रदर्शन किया गया। गाइस एक सेकेंड वेट कीजिएगा, आज एक गड़बड़ हो गई है, ये जो चार्जर है ना लैपटॉप का मैं ऑन करना भूल गई और अभी बैटरी ना कहीं डेड हो जाए इसकी। सॉरी, अब ठीक है, वरना लोचा हो जाता बीच में। नहीं सपना कुमारी, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये आप लोगों को डेली करंट अफेयर में हमने करवाया था, लेकिन ये मंथली करंट अफेयर में भी तो आपका करना है ना एक बार। डेली वाला ही तो रिवीजन है जो मंथली सेशन में आपका चल रहा है, ठीक है। चलो ओके, सो 2004 के बाद पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किया जाता है। इससे पहले यूके में हो चुका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सिंगापुर, जर्मनी में भी प्रदर्शनियां इसकी हो चुकी थी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को? हां जी, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? हॉकी के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देंगे एक बार से सभी बच्चे बिना किसी कंजूसी के, एक बार जल्दी से करके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट से। सपना, देवाजीत जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, वो आज काफी बच्चे क्लास में दिखाई नहीं दे रहे। हां जी ओके, देखो प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो हार्दिक सिंह को चुना गया था यहाँ पर। किसे चुना गया था? हार्दिक सिंह को चुना गया था। और यहीं पर अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो किन्हें चुना गया? सविता पुनिया को। सविता पुनिया ये वुमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है।
हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट देखो, WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? ये है आपका पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023, ठीक है? तो पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है, किसको मिला है भैया? मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर या फिर बेंगलोर को दिया गया है? गुड मॉर्निंग नरेश कुमार ढाका, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आंसर करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, जिन्होंने आंसर किया है बेंगलोर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड दिया गया है और ये किसको? बेंगलोर को मिला है। ये सिलिकन सिटी एंड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। बेंगलुरु के अलावा बात करते हैं मॉन्टेविडियो, मैक्सिको सिटी, वैंकूवर, एथेंस, इन्हें भी सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो क्यों मिलता है ये अवार्ड और किसको मिलता है ये अवार्ड? तो जो तंबाकू को रोकने का काम करते हैं, तंबाकू फ्री, ठीक है, जो अपने शहर को तंबाकू फ्री करने के लिए जिन्होंने पहल चलाई है, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को दिया जाता है ये अवार्ड आपका, ठीक है? तो ये किसको दिया गया है? बेंगलुरु सिटी को दिया गया है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट देखो, हाल ही में 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? आंसर करेंगे जल्दी से। ये जो अवार्ड है वो बेसिकली किसके द्वारा जीता गया है? यस, सपना देवाजीत, सोमवीर, ओके, और वो हुड्डा जी आज क्लास में नहीं आए, और एक और वो क्लास का सबसे शैतान बच्चा, वो भी नहीं दिख रहा मुझे, अभी आएंगे 7:15 तक, ठीक है? चलो फटाफट से आंसर करो। आसिफ खान जिन्होंने आंसर किया है, आसिफ शेख, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। एक सेकेंड, इसका आंसर आसिफ शेख है। हाँ सही है, सही है, ठीक है। हाँ जी, आसिफ शेख इज योर करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इन्हें जो है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया था, ठीक है? आसिफ शेख है, इनको यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो अगर इनके बारे में बात करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं, विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, T20 इंटरनेशनल के दौरान इनको जो है सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, ठीक है? बस आपको इनका नाम याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया? इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे क्या होगा। अंतरिक्ष के अंदर खोज वगैरह करने के लिए, रिसर्च के लिए इसका यूज किया जा रहा है, ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है? इस टेलीस्कोप से ही जो अंतरिक्ष के अंदर जो मलबा होता है वो भी सर्च किया जाएगा, देखा जाएगा। ओके, तो यहां पर किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है, मतलब इस पे इसका नहीं पता किसी को भी। चलिए देखिए, ये जो टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन उत्तराखंड के अंदर किया गया है, ठीक है? 4 मीटर है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और इसका उद्घाटन किया गया है यहां पर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर देवस्थल नाम की जगह है। एशिया का ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रहेगा, 4 मीटर है जो इसकी लेंथ बताई जा रही है यहां पर, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को? यस, साहिल, देवाजीत, सपना, बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहां पर मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया, यानी कि लाइफ के नाम से एक पहल आती है, ठीक है? लाइफ के नाम से एक पहल आती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? बिहार, असम, मिजोरम या फिर मणिपुर ने शुरू किया है? तो ये देखो, जो हमारा COP26 हुआ था, कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, यूके ग्लासगो में, COP26। तो उसी के अंदर लाइफ नाम से ये जो पहल है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट ने इसको शुरू किया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। ओके, असम ने इसको शुरू किया था, ठीक है? और कोई?
सब लोग आंसर करें। बिल्कुल, देखो असम जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही है, असम ने इसको शुरू किया है। लाइफ के नाम से ये जो पहल है ये एनवायरमेंट के लिए शुरू की गई पहल है कि हमें पर्यावरण को कैसे जो है प्रदूषण होने से, प्रदूषित होने से बचाना है, कैसे उन संसाधनों का कम यूज करना है जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, और वो टारगेट सेट करती हैं जिनसे प्रदूषण कम होता है। ठीक है, इसके लिए लाइफ के नाम से इस पहल को शुरू किया गया, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज हॉकी दिग्गज के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है किसके नाम पर? एक हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पे रखा गया है, आपको बताना है कि किन के नाम पे रखा गया है। जल्दी आंसर करेंगे क्या होगा सही आंसर, फटाफट से। साहिल, दीपक, संजना, देवाजीत, सपना, ऑफिशियल मुकेश, फटाफट आंसर करें। देखो रायबरेली स्टेडियम है जिसका नाम एक हॉकी दिग्गज के नाम पे रखा गया है, और ये है रानी रामपाल, जिन्हें की हॉकी की रानी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी की रानी कहे जाने वाले इन्हीं के नाम पे रखा गया है। वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है ये रानी रामपाल, हरियाणा से बिलोंग करती है, और अपने इंटरनेशनल करियर में खेले गए 212 मुकाबलों में 134 गोल जड़ चुकी है, और वे एक जबरदस्त स्ट्राइकर है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा? आरबीआई का डेटा सेंटर रहेगा और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट रहेगा। ठीक है, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है, पुणे, दिल्ली, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी होगा जो किसी ने भी आंसर नहीं किया है। बत्ती गुले तुम लोगों की, मतलब पूरे महीने हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है मार्च का, और अब जब मंथली रिवीजन पर आए हैं तो सब गायब हो चुका है। चलो खैर, उससे वही तो वापस दिमाग में सेट करने के लिए ये सेशन हो रहा है आपका। तो भुवनेश्वर में किया जा रहा है ये डाटा सेंटर, और साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। ठीक है, इसका जो शक्तिकांत दास है 25th नंबर के गवर्नर, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है, ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन है जो कि कहां पर किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो विच इज योर आंसर? हाँ सपना, आप तो दे रही हैं आंसर, लेकिन जो नहीं दे रही हैं मैं उनकी बात कर रही हूं। ओके, चलो आप देख लेंगे आपका आंसर, आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ठीक है, और कोई इसका आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का? आईटीओ के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, तो पूछा जा रहा है कि कहां पर किया गया है। आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है ना, कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, राजधानी में किया गया है। तो इस कार्यक्रम के अंदर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के नए इनोवेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, उनका उद्घाटन किया जाएगा। ओके, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत जी 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। ओके, आईटीयू ये बेसिकली आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है जो कि कहां पर? जेनेवा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस महान व्यक्तित्व के ऊपर है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का जो उद्घाटन किया गया है तो ये किसके नाम पर बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी के ऊपर है ये, बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू
या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं गलत जवाब। मतलब तुक्का भी लगाते लेकिन आसपास भी नहीं होता है। देखो महाराष्ट्र के लातूर में बनाया जा रहा है एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया जा रहा है, तो इसमें होगा क्या, ये जो है आपका अभी 13 ऑफ अप्रैल को इसका अनावरण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 ऑफ अप्रैल को जयंती है। अब जिसकी जयंती है उन्हीं का बनाया जा रहा है। चलो इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, अब आंसर करो फटाफट से क्या होगा। यस देवाजीत करेक्ट है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाई जा रही है ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से। इनकी 131वीं जयंती होगी अभी 14 अप्रैल को। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर से इस प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की जाएगी, ठीक है। तो ये 70 फीट ऊंची है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 70 फीट जो है वो इसकी क्या रह जाएगी, इसकी ऊंचाई होगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When is World Meteorological Day celebrated? मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो मौसम विज्ञान दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। 18 मार्च, 23, 18 या फिर 23 अप्रैल को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? डिसेंट जैट दिखे तो है, तुम्हारा आंसर भी दिखे है पर जल्दी जल्दी आंसर नहीं करते हो। 70 फीट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गोविंदा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 मार्च जिन्होंने आंसर किया, जिस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं 23 मार्च को, तो उसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 23 मार्च को ये मनाया जाता है। 1950 में जिस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो उसी को स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ओके, तो स्थापना ये बेसिकली 1873 में वियना अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन के दौरान जो है वो प्रस्तावित किया गया था। ओके, और 1950 से जो है इसको मनाया जा रहा है। थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो थीम रही इस बार वेदर क्लाइमेट एंड द फ्यूचर ऑफ वाटर विद जनरेशन, ये जो है वर्ल्ड वेदर डे की थीम रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बताइए हाल ही में किस नदी पर अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई है? यहाँ पर एक डेडलाइन थी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, कौन सी नदी को लेकर के यह डिस्प्यूट था ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये ना पेन्नैयार नदी, ये है पेरियार नहीं है, ठीक है, पेन्नैयार की जगह ये पेन्नैयार नदी आएगा, ये है। तो ये नदी है, इसको लेकर के दो राज्यों के बीच में विवाद था। किस किस को लेकर? तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लेकर विवाद था और इसकी जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरी डिटेल में किया था। इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका था कि जो ये नदी है इसके ऊपर कर्नाटका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, और अभी कर्नाटका ने इसके ऊपर क्या है एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज्यादातर यहीं रुक गया है। इसका कहना है कि 46 गांव को यह पानी दे रहा है, और तमिलनाडु का कहना है कि भैया जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से तुम इसके ऊपर कोई डैम नहीं बना सकते हो। तो ये डिस्प्यूट को लेकर के जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस पर कुछ दिन सुनवाई हुई लेकिन अभी इसकी आखिरी तात समाप्त हो चुकी है, ये विवाद यानी कि समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, इसके लिए अभी भी विवाद चल रहा है आपका। ओके नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत में शहीदों के सम्मान और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जो शहीद दिवस है हम सभी जानते हैं ये कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। इसी दिन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। हाँ जी, तो ये पूरी कहानी तो हम लोगों ने देखी ही थी कि ऐसा क्यों किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं?
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं, अरुण कुमार सिंह, जमुना लाल बजाज, मुकेश अंबानी या फिर अरुण गोयल बने हैं। आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर। ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ये कौन है आपके, मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर है, देखो वर्ल्ड के सबसे अमीर तो एलन मस्क 205 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में। सेकंड नंबर पे आ गए हैं जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर है 188 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। और अब तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट आ गए हैं जिनके जीवन में चार दिन की चांदनी आई थी और ये एक बार फिर से अंधेरी रात के साथ में तीसरे स्थान पर। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ये है 124 बिलियन डॉलर के साथ फोर्थ नंबर पे। और मुकेश अंबानी है आपके नाइन्थ नंबर पे 103 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में। लैरी पेज, सर्गे ब्रिन ये कौन है, दोनों ही सेम संपत्ति है क्योंकि गूगल के फाउंडर है ये दोनों ही, ठीक है, गूगल के फाउंडर है दोनों ही। चलो भाई अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। हाल ही में सीएट के एमडी सीईओ के रूप में किन्हें नॉमिनेट किया है। सीएट जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत बड़ी, जो गाड़ियों के बड़े बड़े टायर्स होते हैं वो सीएट के आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, पूछा जा रहा है किन्हें, अर्नब बनर्जी को बनाया गया है। ओके, इसके जो एमडी सीईओ है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, अर्नब बनर्जी को। पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, यस डिसेंट जट। अच्छा एक बार से सेशन को शेयर कर दो, और भी काफी बच्चे हैं जो अभी तक मुझे क्लास में नजर नहीं आ रहे हैं। देखो कुछ लोगों को आदत हो जाती है ना क्लिक करने की, सिर्फ कि आ गया लिंक तो क्लास में आ गए, लिंक नहीं आया तो हम भी नहीं आए। चलो, किस शहर के सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, कौन से शहर में ये बनाया जाएगा और क्या होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम। तो देखो ये क्या काम करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है। तो कौन से शहर के सॉल्ट लेक में बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर। ये देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं है, जो पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये मुंबई के अंदर बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? हाँ जी, तो देखो और किस कहाँ बनाया जा चुका, बेंगलोर में, चेन्नई, नई दिल्ली हो गया, नोएडा, पुणे और अन्य शहरों में भी इसके जो है एडिशनल सेंटर बने हुए हैं। सबसे पुराना जो है वो मुंबई के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, और 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में इसे वेस्ट बंगाल के सॉल्ट लेक में बनाया जा रहा है कोलकाता के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो संगीत अकेडमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है किसे, आपको बताना है। संगीत अकेडमी के द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है, आंसर क्या होगा। देवाजीत, सपना, एनजी, डिसेंट जाट, राजेश कुमार, जल्दी जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन नंबर बी मिस्टर एनजे का आंसर आया है, करेक्ट है, बॉम्बे जयश्री, बिल्कुल सही आंसर है। तो संगीत अकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए इन्हें चुना गया है, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है, ठीक है, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। यह कर्नाटका की गायिका के रूप में फेमस है, जाना जाता है इनके बारे में। 1927 में मद्रास में आयोजित हुए ऑल इंडिया कांग्रेस सत्र के उत्पादन के रूप में उत्पन्न हुआ था यह, एक सेकेंड, जो ये प्रोग्राम है जिसके माध्यम से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स के इतिहास के बारे में उल्लेखनीय है, यह एक दौरा है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनका नाम याद रखिएगा कहाँ से बिलोंग करती हैं और पुरस्कार के रूप में यहाँ क्या दिया जाता है, सोने का पदक, बिरुद्र पात्र दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किन दो जिलों में भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम है, लैंडस्लाइडिंग का सबसे अधिक खतरा जो है वो कौन सी दो जगहों पर, कौन से दो जिलों में है जो उत्तराखंड में मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर इस प्रकार का खतरा ज्यादा होता है,
लैंडस्लाइडिंग का। तो इसरो की रिपोर्ट इसरो ने कैसे दी है, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं जो चक्कर लगाते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, तो वो वहां से पूरा धरती पर निगरानी रखते हैं हर चीज को लेकर के, जिस पर्पज से वो सैटेलाइट बनाया गया है। तो सैटेलाइट्स ने जो है यहाँ पर हमें एक डाटा दिया है जिसके हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर जहां पर सबसे अधिक खतरा आपको मिलता है। तो क्या आप लोगों ने आंसर किया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्या? सपना तो कह रही है सी होगा, चलो मैं सपना के साथ हूं। टिहरी एंड रुद्रप्रयाग इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। टिहरी और रुद्रप्रयाग ये दो ऐसी जगह हैं उत्तराखंड के अंदर जहां पर लैंडस्लाइडिंग का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग का सबसे ज्यादा खतरा इन दो जगहों पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन छूट गया क्या बीच में कोई, नहीं, ठीक है, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन रह गया, क्वेश्चन छूट गया कोई, चलो कोई बात नहीं। देखो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत का डिजिटल भुगतान कितना बढ़ने की संभावना है। तो हमने देखा था कि ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 2026 तक हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो 3 गुना से भी अधिक हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, $10 trillion तक होने की संभावना है, 3 गुना से अधिक होने की संभावना है, ये यहां पर बोला गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड के लेखक आपको बताना है कौन है। ये जो बुक है एज गुड एज माई वर्ड किसके द्वारा लिखी गई बुक है, हां जी, किसने लिखा है इस बुक को? गोविंद कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, ओके, बाकी सब देखो, एज गुड एज माई वर्ड के नाम से जो बुक आती है के एम चंद्रशेखर की बुक है, बिल्कुल सही आंसर है, सिर्फ एक बच्चे ने किया है, के एम चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, जो कि कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में 4थी महिला नीति पेश होगी, 4th woman policy जो है वो कौन से राज्य में पेश की जाने वाली है, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर यूपी के अंदर पेश की जाने वाली है, आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं विच इज योर करेक्ट आंसर, ओके, महाराष्ट्र में, करेक्ट। सो महिलाओं के लिए बनाई जा रही है ये नीति, इसमें इसमें शिक्षा को लेकर काम किया जाएगा, जो अनाथ लड़कियां हैं जिनकी उम्र कम है मतलब, ठीक है, और उनके लिए आवास बनाए जाएंगे अनाथालय के अंदर, और हर सोमवार को दरबार लगेगा ताकि महिलाओं के लिए जो है उनकी प्रॉब्लम को सुना जा सके। और एक और चीज बोली गई थी, जो भी नई रोड बनेगी तो हर कुछ किलोमीटर के बाद में क्या है, वॉशरूम, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, और पुलिस स्टेशन में जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए अलग से हिरकानी कक्ष जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट्स क्लियर है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो दी जा रही हैं महिलाओं को इस नीति के माध्यम से जो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। किसने अनाउंस किया इसका, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में HUL के नए CEO किन्हें अपॉइंट किया गया है, HUL के नए CEO जो है आपको बताना है ये किन्हें अपॉइंट किया गया है, रोहित जावा, एस वेणुगोपाल, अजय बंगा या फिर संजीव सन्याल को अपॉइंट किया है, क्या लगता है भाई करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ विच इज योर करेक्ट आंसर। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, इसके जो है नए CEO अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? ओके,
हाँ जी, सो जिन्होंने यहाँ पे आंसर किया है आर एस वेणुगोपाल, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग आपस में भी बातें कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर किया है यहाँ पे, अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के हेड नहीं बनाए गए हैं डेविड मलपास की जगह पे, भूल जाते हो क्या आप लोग? अभी डेविड मलपास के जगह पे जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो इन्हीं का तो अपॉइंटमेंट किया गया था। तो यहाँ पे रोहित जावा होगा सही आंसर। हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के सीईओ जो है रोहित जावा को बनाया गया है। किसको? रोहित जावा को। और ये जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1933 में इसकी स्थापना हुई है और रोहित जावा जो है वो इसके सीईओ बन चुके हैं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HLL के साथ कितने डोर्नियर विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? कितने डोर्नियर विमान हैं जो कि खरीदे जाएंगे उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता किया है? चलो अब बताओ सही आंसर क्या होगा, 3, 4, 5 या फिर 6? डोर्नियर विमान 6 संख्या में कितने हैं ये जो खरीदने के लिए समझौता हुआ है? 6। कितनी करोड़ की लागत के साथ में? 667 करोड़ की लागत के साथ 6 डोर्नियर विमान खरीदे जाएंगे जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। तो इनका यूज कहाँ किया जाएगा? देखो पहले इनका यूज रूट ट्रांसपोर्ट रोल कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए किया गया था। इसके बाद इसका यूज भारतीय वायुसेना के परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया गया, जो पायलट्स हमको ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका यूज किया गया। तो ये डोर्नियर 228 विमान एक बहुमुखी उद्देश्य के लिए एक हल्के परिवहन विमान है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो। और HAL जो है जिसकी स्थापना जो होती है 1940 में, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला कमांडर जो है ये कौन बन गई है? हां जी, भारतीय सेना की पहली महिला कमांडर कौन बन गई है? कर्नल गीता राणा, कर्नल शैलजा धामी, अवनी चतुर्वेदी या फिर भावना सिंह? बताएंगे जल्दी से विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो कर्नल गीता राणा जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, दैट्स राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नल गीता राणा है। ठीक है, जो कि पहली महिला कमांडर ये यहाँ पे बन गई हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह है ऑलरेडी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की है, कर्नल है यहाँ पर। और अभी चाइना के साथ जो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है इसमें एक स्वतंत्र फील्ड कार्यशाला की कमान इन्होंने ये संभाली है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनाया गया याओशांग फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है? याओशांग फेस्टिवल की बात करते हैं तो यह कौन से स्टेट से रिलेटेड है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर यह असम से रिलेटेड है? क्या लगता है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर होगा, बिल्कुल सही है। तो देखो ये 5 डेज फेस्टिवल होता है, याओशांग फेस्टिवल होता है, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे जब होली होती है ना, होली आती है मार्च में, तो उसी टाइम पीरियड पर ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। मणिपुर का फेमस एक फेस्टिवल है लाई हरोबा फेस्टिवल। ठीक है, एक होता है यहाँ पे कुट फेस्टिवल, कुट फेस्टिवल ये भी कहाँ पे? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, हाल ही में कुवैत के फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है ये किन्हें अपॉइंट किया गया है? कुवैत के फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पूछा जा रहा है कि किन्हें बनाया गया है? हैथम अल गैस, ये तो आपके अभी ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड इनको बनाया गया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? अपेक, अपेक इसके हेड बनाया गया था इनको। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा,
ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिर से, हैथम अल गैस ये भी कुवैत से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हैंड रिटन नोट्स के लिए। तो पूछा जा रहा है यहां पर कि किसने बनाया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर ओडिशा ने बनाया है। क्या लगता है भाई यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताएंगे फटाफट से विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल असम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, असम इज योर करेक्ट आंसर। तो देखो भाई क्या है यहाँ पर, असम की अगर हम बात करते हैं तो असम के अंदर एक फेमस अहोम डायनेस्टी के हैं जिनका नाम है लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन, ये तो आएगा, सॉरी बोरफुकन, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अहोम साम्राज्य के ये रह चुके हैं, अहोम साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इनके नाम पर ना, इनके नाम पर सब मतलब असम गवर्नमेंट ने लोगों से अपील करी कि आप कुछ लिखना है, निबंध लिखना है इनके ऊपर और एक पोर्टल के ऊपर वो अपलोड करना है। तो ये हैंड रिटन निबंध लिखा गया था और ये काफी सारे लोगों ने लिखा, तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो गया, 42,94,350 यहाँ पे लोगों ने लिखा। अभी इनकी 400वीं जयंती थी, ठीक है। तो ये जो है इनका नाम लचित बोरफुकन है, इन्हीं के नाम पर लिखा गया था ये नोट्स, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर है सबको यहां तक? तो ये जो नाम है असम के इस फेस्टिवल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी थी, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड या फिर श्रीलंका ने की इसकी अध्यक्षता? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर, विच इज योर करेक्ट आंसर, बताएंगे फटाफट से। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री परिषदीय मंत्री स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता है वो किस देश ने की है, तो किस देश ने की है, थाईलैंड ने अध्यक्षता। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है कितनी मेंबर कंट्रीज आती हैं, आपके 7 मेंबर कंट्रीज आती हैं, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज है। नेपाल भी है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, ये जितने भी बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज हैं वो सब इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं। तो अभी क्या है, 9 मार्च को विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री है डॉक्टर राजकुमार रंजन ने 9 मार्च को बैंकॉक से वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित ये 19वां एडिशन है इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किस देश ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जापान, चाइना, अमेरिका या फिर जर्मनी ने? क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर, अमेरिका इज योर आंसर, बिल्कुल सही है, अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। तो इसमें क्या है, देखो अमेरिका का कहना यह है कि भारत और अमेरिका मिलकर सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, चाइना से ज्यादा जो है वो इसका प्रोडक्शन किया जाना है, यही पर्पज है। तो इसके लिए 10 फरवरी को नई दिल्ली में यह एक वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, किस किस के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो यह हम सभी जानते हैं जो हुबली स्टेशन है आपका, हुबली जो प्लेटफॉर्म है, इसी को सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन सिद्धरूदा के नाम पे रखा गया है, तो यह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करती हूं तो यह 1400 मीटर है, इससे पहले सबसे लंबा कौन सा था, गोरखपुर का था, 1366 मीटर लेंथ थी उसकी,
और अब हुबली प्लेटफॉर्म बन चुका है, कर्नाटका का हुबली प्लेटफॉर्म जो सिद्धरूदा जी के नाम पे इसका नाम रखा है। लगभग 1.5 किलोमीटर, 1400 से ज्यादा है ये, ठीक है, इसलिए जो है आपका कितना 1.5 किलोमीटर आप इसको बोल सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर है सबको यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखो। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश के अंदर स्थित है? माउंट मेरापी की बात करते हैं जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, 1930 के बाद इसमें काफी बार विस्फोट हो चुका है, तो यह कौन से देश में लोकेटेड है? तो ये कहां पर आपको मिलता है? इंडोनेशिया में है, ठीक है, कहां पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लोकेशन आती है रिंग ऑफ फायर में, इसीलिए यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा होती है। 1930 के बाद से सबसे शक्तिशाली विस्फोट था जब लगभग 1300 लोग मारे गए थे, 1930 में जब हुआ था। 1994 में एक विस्फोटों में लगभग 60 लोग मारे गए थे, ठीक है, हालांकि अभी वाला जो ये विस्फोट है बहुत भयंकर बताया जा रहा है, लेकिन अब किसी की डेथ नहीं हुई इसमें। अच्छी बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के काफी सारे गांव हैं जो कि खाली करवा लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति पर निगरानी के लिए सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन किया था? तो PMAL में संशोधन किया था सरकार ने, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें क्या संशोधन किया वित्त मंत्रालय ने, निगरानी रखने के लिए कि जो भी डिजिटल करेंसी है, परिसंपत्ति और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय हो, परिसंपत्तियों के एक से अधिक रुपयों के बीच विनिमय, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, एक तरह से ना आप ये समझिए कि एक तरह से निगरानी के लिए किया गया, ठीक है। क्रिप्टो संबंधित व्यापार में एक्सचेंज, संरक्षक, वॉलेट प्रदाता, धन शोधन निवारण इस अधिनियम के तहत आएंगे ये, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पे निगरानी रखी जा सके, क्योंकि देखो जो डिजिटल करेंसी होती है उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग काला धन होता है आपका, ठीक है, काला धन होता है, उस पे निगरानी रखने के लिए बनाया गया। इज इट ओके? नेक्स्ट, 32वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इसमें प्राइज मनी होता है 15 लाख रुपए। सो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये मिला था किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 31वां किसको मिला था? 31वां की बात करते हैं तो ये दिया गया था आपका असगर वजाहत को, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? ये समुद्री साझेदारी अभ्यास है, इसके साथ भारत ने हिस्सा लिया है, तो पूछा जा रहा है कि इसका जो आयोजन है वो कहां हुआ, किस देश के साथ किया भारत ने इसका आयोजन? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, और सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दो फटाफट से। फ्रांस इज योर करेक्ट आंसर, फ्रांस। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में एक समुद्री अभ्यास था जिसका आयोजन 10 से 11 मार्च को किया गया 2023 में। कहां? अरेबियन सी में हुआ इसका आयोजन, अरेबियन सी में इसका आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य में बुमचू उत्सव बनाया गया? बुमचू फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये कौन से स्टेट में आपका सेलिब्रेट किया जाता है बुमचू फेस्टिवल? सॉरी, देखो बुमचू फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये सिक्किम के अंदर, क्या हो गया पेन को, ये सिक्किम के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहां पर एक लोसार फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है, और एक सागा दावा फेस्टिवल भी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। बुमचू उत्सव होगा, ये सब कहां मनाए जाते हैं? सब सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के लिए बस इतना ही करेंगे और अब आपसे मुलाकात, हालांकि बस 1-2-4 क्वेश्चन बचे, बट नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है ना इस टाइम,
वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। कोई डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। अब आपसे सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं आज क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।